इंडियन प्रीमियर लीग में 9 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस मुकाबले ने तो सबको हैरान कर दिया। एक समय लग रहा था कि गुजरात ये मैच आसानी से जीत जाएगी और आखिरी ओवर में 30 रन बनाना आसान नहीं थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और इस मैच में जो हुआ उसके बाद हर क्रिकेट फैंस के जुबान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम है, जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, तो हर कोई उनको नया क्रिस गेल कह रहा है। गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी यश दयाल को सौंपी। पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी और इसके बाद रिंकू ने लगातार 5 छक्के जड़कर नया इतिहास रचने के साथ हारी हुई बाजी जितवा दी। कोलकाता ने तो इस मैच में जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। रिंकू सिंह ने पहले 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन अंतिम 7 गेंदों पर तो उन्होंने कहर बरसा दिया। रिंकू ने 21 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 48 रन बना दिए, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। इस धमाकेदार पारी ने रिंकू सिंह को आईपीएल के सुपरस्टार खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल कर लिया है। रिंकू का जन्म 1997 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और इसके कारण रिंकू की कई बार जमकर पिटाई भी होती थी, लेकिन रिंकू के इस उत्साह को परिवार ने बाद में समझा। लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनको नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी दी। इसके बाद उनका मन नहीं माना तो उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा और क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और पंजाब के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। आईपीएल 2017 की नीलामी में रिंकू को किंग्स इलेवन पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। पिछले सीजन की मेगा नीलामी में केकेआर ने 55 लाख रुपए में खरीदा और लखनऊ के खिलाफ रिंकू ने सिर्फ 15 गेंदों में 40 रन बनाए थे और इसके बाद उनके नाम की चर्चा होने लगी, लेकिन इस सीजन में तो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो उनके लिए बहुत अहम साबित होगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।